खर्चा कितना आता है, यही सवाल रहता है हर पेशेंट का जिनको हम ऑपरेशन या प्रोसीजर के लिए सजेस्ट करते हैं। इस सिंपल सवाल का हम आज डेफिनेटिव आंसर देने वाले हैं, तो वीडियो में जुड़े रहिए अंत तक और देखिए कि किन किन चीज़ों की वजह से खर्चा चेंज होता है। क्योंकि कुछ पेशेंट आके हमारे पास कहते हैं कि डॉक्टर साहब ये ऑपरेशन तो 20,000 में भी हो जाता है, हमने पता किया है इस डॉक्टर के पास ये तो 15,000 या कहीं पे भी फ्री में भी कर देते हैं, आप क्यों पैसे चार्ज कर रहे हो। तो चलिए देखते हैं किन किन चीज़ों से ऑपरेशन के रिजल्ट अफेक्ट होते हैं, किन किन चीज़ों की वजह से उनका प्राइसिंग अफेक्ट होता है और आपका इफेक्टिव कॉस्ट कितना हो सकता है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। फर्स्ट एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट होता है जो आपका सर्जरी का कॉस्ट डिसाइड करता है कि वेरिकोज वेन की सीवियरिटी कितनी है। क्या अल्सर भी है तो उसमें सीवियरिटी बढ़ जाती है, अगर वेरिकोज वेन की सीवियरिटी ज़्यादा है या अल्सर है तो डेफिनेटली सिंगल सेटिंग में इसका इलाज नहीं हो पाएगा या एक या दो से ज़्यादा भी सेटिंग लग सकता है। तो डेफिनेटली अगर सीवियरिटी ज़्यादा है तो वेरिकोज वेन का इलाज का खर्चा भी ज़्यादा होता है। सेकेंड इम्पॉर्टेंट पॉइंट होता है जो कॉस्ट डिसाइड करता है, ये होता है कि कौन से टाइप का प्रोसीजर करा रहे हो, सर्जरी करा रहे हो। अगर ये ओपन सर्जरी है तो इसमें ऑब्वियसली ज़्यादा कंज्यूमेबल यूज़ नहीं होने हैं तो इसका कॉस्ट कम होता है। अगर ये मिनिमली इन्वेसिव ट्रीटमेंट है जैसे लेज़र सर्जरी, RFA या माइक्रोवेव ट्रीटमेंट, तो इसमें कॉस्ट ज़्यादा हो सकता है। ग्लू ट्रीटमेंट है तो कॉस्ट और ज़्यादा हो सकता है, क्योंकि ये जो कंज्यूमेबल्स है इस ये या जो मशीन यूज़ होती है ये भी एडिशनल फैक्टर होती है आपका कॉस्ट डिसाइड करने में। थर्ड इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है कि आप किस शहर में हैं। अगर आप यही ट्रीटमेंट वेरिकोज वेन का मुंबई में करा रहे, दिल्ली में करा रहे, अगेंस्ट अगर आप सिंगापुर या दुबई में जाके करा रहे, ऑब्वियसली सिंगापुर या दुबई में जैसे हॉस्पिटल का लेवल है, स्टैंडर्ड है, भले ही ऑपरेटिंग सर्जन सेम लेवल का रहेगा बट कॉस्ट आपका सिंगापुर या दुबई में ज़्यादा रहेगा। इंडिया की अगर बात करें, आप मेट्रोज में जाएंगे तो इवन अगर हैदराबाद या दिल्ली या मुंबई जैसे बड़े शहर में कराएंगे तो कॉस्ट ज़्यादा हो सकता है एज़ कम्पेयर टू अगर आप कोई छोटे टायर टू सिटी या टायर थ्री सिटी में कराएंगे तो कॉस्ट कम हो जाएगा। इसके बाद हम बात करेंगे कि अगर कोई प्रोसीजर सेम प्रोसीजर है बट ये कोई क्लिनिक में हो रहा है या फिर हॉस्पिटल के ऑपरेशन थिएटर में हो रहा है, तो हॉस्पिटल के ऑपरेशन थिएटर में ऑब्वियसली कॉस्ट ऐड अप हो जाता है, मल्टीपल असिस्टेंट रहते हैं, अलग अलग टाइप के चार्जेस होते हैं, तो वहाँ पे भी कुछ ना कुछ प्रतिशत चार्ज बढ़ जाता है। अगेंस्ट सिंगल डॉक्टर का क्लिनिक है जो खुद चलाता है तो वहाँ पे उसको फ्रीडम रहता है चार्जेस कंट्रोल करने का, तो उसी सेटअप में चार्ज कम भी हो सकता है। आपके ऑपरेशन का चार्ज कितना होगा या फाइनल बिल कितना बनेगा ये डिसाइड करने का फैक्टर और एक इम्पॉर्टेंट है जिसको कहते हैं अगर इंश्योरेंस के अंदर है या कैश में ऑपरेशन करा रहे हैं। इंश्योरेंस पेशेंट में हर इंश्योरेंस पेशेंट कंपनी का चार्जेस टैरिफ जो एग्रीड टैरिफ है पर्टिकुलर हॉस्पिटल में वो अलग हो सकता है, तो हर इंश्योरेंस पेशेंट का रेट भी अलग हो सकता है। किसी अगर फॉर एग्जाम्पल आप देखेंगे SBI जनरल इंश्योरेंस है तो उसमें हॉस्पिटल का टाइप अलग रेट की हो सकता है, अगर HDFC अर्गो का इंश्योरेंस है तो उसमें टाइप अलग हो सकता है। तो सेम पेशेंट है, सेम डॉक्टर है, सेम हॉस्पिटल है बट अगर आपका इंश्योरेंस कंपनी अलग है तो आपका फाइनल बिल भी अलग हो सकता है। अगर आप कैश में कराते हैं तो ऑब्वियसली चार्जेस अलग हो सकते हैं। तो ये सब बहुत सारी चीज़ें हैं वो जो डिसाइड करती है कि आपका फाइनल बिल कितना बनेगा, आपको टोटल खर्चा कितना आएगा। आजकल काफ़ी सारे लोग, मतलब हम बोलेंगे 99% लोग होते हैं जो उनको मिनिमली इन्वेसिव प्रोसीजर कराना है जैसे लेज़र RFA या ग्लू ट्रीटमेंट, किसी को सर्जरी या ओपन सर्जरी में नहीं जाना होता है। बट अगर अपन देखेंगे कुछ लोग अभी भी ओपन सर्जरी कराते हैं जिसका कॉस्ट 20,000-25,000 से लेके 70,000-80,000 हो सकता है। अगर हम लेज़र या RFA की बात करें तो प्राइवेट सेटअप में ये इलाज 70,000-85,000 तक होता है और माइक्रोवेव एब्लेशन 10-15% कम या ज़्यादा हो सकता है। इन कॉन्ट्रास्ट टू दिस अगर हम ग्लू ट्रीटमेंट की बात करें तो इसका कॉस्ट लगभग 1,25,000-2,00,000 तक हो सकता है। ये मैं बात कर रहा हूँ कैश पेइंग पेशेंट में और उस सेटअप में जिनका डॉक्टर का खुद का सेंटर है। ऑब्वियसली अगर आप हॉस्पिटल सेटअप की बात करेंगे तो सेम कॉरपोरेट हॉस्पिटल जो एक टायर टू सिटी में है अगेंस्ट जो टायर वन सिटी में है, मेट्रो सिटी में है, तो वहाँ पे कॉस्ट का काफ़ी अंतर हो सकता है। कॉस्ट ज़्यादा हो सकता है सिटी के हिसाब से, हॉस्पिटल के लेवल के हिसाब से। तो ये आपको डिसाइड करना है कि आपको आपके खुद के हेल्थ पे कितना एक्सपेंस करना है। ज़रूरी नहीं कि जो आदमी या जो डॉक्टर
बहुत ज़्यादा चार्ज कर रहा है वो बहुत ज़्यादा अच्छा हो या बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव हो, ऐसा नहीं है। इसमें और एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट मैं ऐड करना चाहूँगा कि जो डॉक्टर या प्रोफेशनल हैं उनका एक्सपीरियंस कितना है या खुद का एक्सपर्टीज कितना है, उस हिसाब से भी चार्जेस चेंज हो सकते हैं। अगर जिनका एक्सपीरियंस ज़्यादा है या एक्सपर्टीज काफ़ी अच्छे लेवल की है तो वो अपने हिसाब से चार्जेस बढ़ा भी सकते हैं, कम भी कर सकते हैं। तो वो डॉक्टर खुद डिसाइड करते हैं कि हमें पर्टिकुलर पेशेंट से कितना चार्ज लेना है या चार्ज कम करना है एज कम्पेयर टू जिनका एक्सपीरियंस कम है। तो ये काफ़ी सारे मल्टीपल फैक्टर्स है जो डिसाइड करते हैं कि आपका फाइनल आपको जेब में कितना खर्चा पड़ने वाला है। तो आप डिसाइड कीजिए कि आपको एकदम चीप सस्ता ट्रीटमेंट कराना है या कॉस्टली ट्रीटमेंट कराना है, या आपका वर्थ होना चाहिए जितना आप पैसा एक्सपेंड कर रहे हो आपके ट्रीटमेंट में आपको सेटिस्फैक्ट्री ट्रीटमेंट मिलना चाहिए। आई थिंक मैंने आपके जो सवाल है खर्चा कितना आएगा इसका सेटिस्फैक्ट्री आंसर दे दिया है। और आप अपने जो भी वैस्कुलर स्पेशलिस्ट या वैस्कुलर सर्जन से मिलेंगे तब ये बात सुनिश्चित करें कि आपका इलाज कौन से ट्रीटमेंट से हो रहा है और उसमें कितना खर्चा आने वाला है, उसको कॉन्फिडेंटली ऑपरेशन के पहले ही डिसाइड करिए। और ये भी डिसाइड कीजिए अगर आपके पास अल्सर है, पैर में अल्सर है तो कितना टाइम लगेगा, क्या आपके अल्सर ट्रीटमेंट का कॉस्ट भी इसमें इंक्लूडेड है, इसको कितना सेटिंग में ड्रेसिंग लगने वाला है, ये सब सारी चीज़ें आप ऑपरेशन के पहले डिसाइड कर सकते हैं। मुझे लगता है ये वीडियो आपको काफ़ी हेल्प करेगा और गाइडेंस के लिए, तो प्लीज़ इसको लाइक कीजिए और शेयर करना ना भूलें। थैंक यू।